बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने वेलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो है वो स्टार्ट किया था और इसके कुछ पोस्टुलेट्स पार्ट वन की शक्ल में हमने कर लिए थे। आज हम लोग इसका बकिया हिस्सा करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो आज हमारे पास कॉन्सेप्ट डिवेलप हमने करना है उसमें पहला है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, जिसके नतीजे में बनता है सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे नंबर पर हमने करनी है साइडवेज ओवरलैपिंग, जिसके नतीजे में बनते हैं पाई बॉन्ड। तो इनको समझना बड़ा जरूरी है, पेपर में ये सवाल आता होता है, तो आइए जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले आप हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जो है उसको समझ लीजिए, उसकी डेफिनेशन। तो जरा नोट कर लीजिएगा, इफ द प्रोबेबिलिटी, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, if the probability of finding electron is maximum exactly on the bond axis, if the probability of finding electron is maximum exactly on the bond axis, then sigma bond is formed, then the sigma bond is formed and the orbitals are supposed to be overlapped head on head. लो जी, if the probability of finding electron is maximum exactly on the bond axis, then sigma bond is formed and the orbitals are supposed to be overlapped head on head, जिसको आप linear overlapping भी बोलते हैं, linear overlapping भी कहते हैं, लीनियर ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग को आप लीनियर ओवरलैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं कि इस बात का क्या मकसद है या क्या मतलब है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एग्जैक्टली ऑन द बॉन्ड एक्सिस, देन द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड द ऑर्बिटल्स आर सपोज्ड टू बी ओवरलैप्ड हेड ऑन हेड। इसको समझाने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आइए हम इस बात को समझने के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसको आप H2 से जाहिर करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसको आप H2 से जाहिर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने बचपन में पढ़ा हुआ है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की केमिस्ट्री आपने क्या पढ़ी है कि दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं भाई, दोनों के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से जाहिर कर लेता हूं, ठीक है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से जाहिर कर लेता हूं, तो अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बन जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर है। अच्छा, अब ये जितना आसान बना हुआ नजर आ रहा है, जितना आसानी से हमने इसकी डेफिनेशन देख ली या जितने आसानी से हमने देख लिया कि इसमें बॉन्ड कौन सा है, इट इज नॉट एज इजी एज इट इज लुकिंग लाइक। इसके पीछे पूरी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, वो क्या है वो ही मैंने आपको समझानी है, जिसको समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग क्या होती है। अच्छा, अब अगर हम देखें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिटल होता है जिसका नाम होता है एस ऑर्बिटल, और वो एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल, कैसा होता है आपको पता है कि इसके दरमियान में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मैंने हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल बना लिया जिसका नाम है एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, लो जी एस ऑर्बिटल मैंने बना लिया, ठीक है जी। अब मैं एक और हाइड्रोजन का, क्योंकि दो हाइड्रोजन के एटम्स है ना मॉलिक्यूल में, तो एक और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल भी लेना पड़ेगा, वो भी कैसा होगा, स्फेरिकल ही होगा, क्योंकि वो भी क्या है, एस ऑर्बिटल ही है, और उसके दरमियान में भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इज इट ओके। ये भी हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, ये भी हाइड्रोजन का
एस ऑर्बिटल। अब ये दोनों एस ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आएंगे और करीब आने के बाद दे विल ओवरलैप विथ ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे। और किस तरह से ओवरलैप करेंगे यही चीज हमने देखी। ये देखिए, ये एक एस ऑर्बिटल था और एक एस ऑर्बिटल ये है। दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर ओवरलैपिंग। अब दिस इज द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस, दिस इज द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग। ये आपके पास एरिया ऑफ ओवरलैपिंग आ गया, इज इट ओके। और ये दो आपके पास क्या थे, न्यूक्लियस, जिन पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, क्लियर। और अगर आप देखें इन दोनों न्यूक्लियाई को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड एक्सिस। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड एक्सिस, ये बॉन्ड एक्सिस है। ठीक हो गया। जब दो बॉन्डेड एटम्स हो आपके पास, सिंगल कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो उनके दोनों न्यूक्लियाई को, न्यूक्लियाई को आपस में क्या कर रही होती है, जोड़ रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बॉन्ड एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? अब आप देख रहे हो कि दोनों न्यूक्लियस लीनियरली, दोनों एटम के ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप किए हैं, हेड ऑन हेड ओवरलैप किए हैं। अब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन के एक एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे के भी एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर ऑर्बिटल्स ने हेड ऑन हेड ओवरलैप किया जस्ट लाइक दैट, तो वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ना वो कहां मौजूद होंगे, उनके पाए जाने का अमकान कहां पर होगा? एग्जैक्टली ऑन दिस बॉन्ड एक्सिस, एग्जैक्टली ऑन दिस, बात फॉलो कर रहे हो? यानी दोनों एटम्स के दरमियान जब लीनियर ओवरलैपिंग होती है उनके ऑर्बिटल्स के दरमियान, तो उस वक्त जो बॉन्ड एक्सिस होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का अमकान मैक्सिमम होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी द मैक्सिमम एग्जैक्टली ऑन टू द बॉन्ड एक्सिस। और अब इसके नतीजे में दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहां पर मौजूद होगा? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम एग्जैक्टली ऑन द बॉन्ड एक्सिस, एग्जैक्टली ऑन द बॉन्ड एक्सिस। प्रोबेबिलिटी जो है वो कहां पर मैक्सिमम आ रही है? बॉन्ड एक्सिस के ऊपर। और इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि दोनों एटम्स के दरमियान क्या बन जाएगा भाई? सिग्मा बॉन्ड, जो कि बेसिकली कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? तो जब दो एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो तो आप आंखें बंद करके कह लोगे ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विच इज बीइंग रिटन इन योर बुक एज वेल। उसके बाद जो नेक्स्ट मिसाल उसने दी आपकी बुक में, वो बाजू दी है हाइड्रोजन फ्लोराइड की, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब देखिए जनाब, हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है HF। अब वो कहता है जी जो HF है ना उसमें भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। बिकॉज जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से ओवरलैप करते हैं? हेड ऑन हेड ओवरलैप करते हैं। अब आइए जरा देखते हैं, आप सबको पता है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? 1s1, यही होती है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है। और जो फ्लोरीन है F9, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? दो, चार और तीन, सात पूरे कर दिए, दो बाकी। एक यहां पर पेयर बना लेगा, एक यहां पर पेयर बना लेगा। अब आप गौर फरमाएं, जो इसका वैलेंस ऑर्बिटल है 2p,
उसका सिर्फ 2pg ऐसा है जो क्या है, हाफ फील्ड। आपको याद है मैंने आपको बताया था बीबीटी के मुताबिक क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच कहती है कि वही ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैप करते हैं जो कि हाफ फील्ड हो, क्या हो, हाफ। अब हाइड्रोजन का ये जो वैलेंस है ये तो है ही हाफ फील्ड, क्योंकि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते होते हैं, दो, तो यहां पर कितने, एक, तो ये हाफ फील्ड हो गया। और इसके ऑर्बिटल में से कौन सा हाफ फील्ड है, 2pz। अगर आप रेफरेंस एक्सिस पे देखें तो 2pz की शेप जो बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, अगर आपको याद हो, दिस इज अ 2pz ऑर्बिटल, ठीक है। और अब ये 2pz किसके साथ ओवरलैप करने जा रहा है, 1s के साथ, ताकि कौन सा बॉन्ड बन सके, सिग्मा बॉन्ड बन सके, जिसके दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस। तो अब हमने देख रहे हैं कि ये दोनों ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप करते हैं। तो अब सबसे पहले हम बना लेते हैं 1s ऑर्बिटल, दिस इज 1s ऑर्बिटल, और अब इसके साथ ओवरलैप करना है 2pz ने, और 2pz किस तरह से ओवरलैप करने जा रहा है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करने जा रहा है। दिस इज पॉजिटिव न्यूक्लियस, दिस इज पॉजिटिव न्यूक्लियस। तो अब आप जरा देखें, जब ये ओवरलैप करेंगे तो दे विल ओवरलैप हेड ऑन हेड, किस तरह से ओवरलैपिंग होगी जरा देखना। ये 1s तो वैसे ही आ जाएगा हाइड्रोजन का, और ये जो 2pz है समझ आ रही बात की, ये इस तरह से ओवरलैप कर देगा। दिस इज द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, और ठीक है, और इनके दरमियान जो इमेजिनरी लाइन है जिसको आप क्या कहते हो, बॉन्ड एक्सेस, इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इसी नतीजे में, इसके नतीजे में, इनकी ओवरलैपिंग के नतीजे में आपके पास जो H और F के दरमियान बॉन्ड बनने वाला है, H और F के दरमियान जो बॉन्ड बनने वाला है, दैट विल बी कॉल्ड एज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की केमिस्ट्री क्या है, इट इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, इज इट ओके। तो ये दो एग्जाम्पल्स होगी आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो बुक में मेंशन है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल भी दी गई है, और वो दी गई है फ्लोरीन फ्लोरीन की, यानी F2 मॉलिक्यूल, ठीक है जी। अब जो F2 मॉलिक्यूल है, सिग्मा बॉन्ड समझाने के लिए, उसमें भी F और F के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, डेफिनेटली ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो अभी आपने पढ़ा कि F जो फ्लोरीन है उसके पास एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और वो कौन सा है, 2pz। तो भाई 2pz जो है वो ओवरलैप करेंगे, तो अब इसमें क्या होगा जनाब, ये देखिएगा, 2pz को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज 2pz ऑफ फर्स्ट फ्लोरीन एंड दैट इज 2pz ऑफ सेकंड फ्लोरीन, इज इट ओके। अब जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो किस तरह से ओवरलैप करेंगे, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी। एक ये 2pz आ गया और एक 2pz गया, समझ आ रही बात की, दिस इज द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, ये आपके पास एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, दिस इज 2pz, दिस इज 2pz, ठीक है। और इनकी जो बॉन्ड एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन विच इज सपोज टू ज्वाइन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से फ्लोरीन और फ्लोरीन के दोनों एटम्स के दरमियान ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, लीनियर ओवरलैपिंग से, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन जाए, एनी प्रॉब्लम नहीं। तो ये तीन एग्जाम्पल्स आपकी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग के अंदर दी गई। अब आ जाइए साइडवेज ओवरलैपिंग, तो व्हाट इज साइडवेज ओवरलैपिंग, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सेस, above and below the bond axis, then orbitals
आर सपोज्ड टू बी ओवरलैप्ड बाय साइड डिस एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। जी ये डेफिनेशन बनती है बेटा जी साइडवेज ओवरलैपिंग की या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की। जी इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस द ऑर्बिटल्स आर सपोज्ड टू बी ओवरलैप्ड बाय साइडवेज। अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का अमकान अबव या बिलो मौजूद हो, किसके अबव या बिलो द बॉन्ड एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस के अगर अबव या बिलो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी ओवरलैपिंग को हम कहेंगे साइडवेज ओवरलैपिंग। इस तरह से साइडवेज ओवरलैपिंग होगी और इस तरह से हमेशा क्या बनेगा पाई बॉन्ड। अब इस बात को समझाने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी है, नाइट्रोजन यानी N2, ठीक है जी। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं, पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक तो शर्त ये हो गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां पर मैक्सिमम होगी, अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस, अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस। इसके अलावा याद रखना पाई बॉन्ड हमेशा बनता है सिग्मा फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद पाई बॉन्ड हमेशा कब बनता है, जब ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो, जब ऑलरेडी, अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं बना तो पहले खुद ब खुद पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। पाई बॉन्ड बनने के लिए शर्त क्या है कि सिग्मा बॉन्ड पहले से मौजूद हो, जो हम इस एग्जांपल में देखेंगे। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को देखने के लिए सबसे पहले नाइट्रोजन के एटम की, एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले है जी N7 जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 1s2 2s2 2px 1 2py 1 2pz 1 और जो दूसरा, क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में दो एटम्स है ना, तो जो दूसरा है एटम सिमिलरली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो बिल्कुल वैसे ही होगी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 ऐसा ही है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब होगा क्या जरा गौर फरमाइए, 2px 2px के साथ ओवरलैप करेगा क्योंकि हाफ एंड, 2PY 2PY के साथ ओवरलैप करेगा क्योंकि हाफ फिल्ड है, 2PZ 2PZ के साथ ओवरलैप करेगा। अब आपको पता है 2PX और 2PX किस तरह से ओवरलैप करता है, लीनियरली हेड ऑन हेड, तो क्या बनेगा एक सिग्मा बॉन्ड। 2PY 2PY के साथ जब ओवरलैप करेगा वो भी लीनियरली ओवरलैप करेगा, क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और जो 2PZ 2PZ है, इन दोनों के सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास ऑप्शन बचती है, ये क्या करेगा साइडवेज ओवरलैपिंग, ये क्या करेगा साइडवेज। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स के दरमियान तीन बॉन्ड्स हैं, जिसको आप ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कह सकते हो, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड की केमिस्ट्री क्या समझ आ रही है आपको जी, पहले तो आपके पास बनना है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, जो कि किससे बनेगा हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से, फिर आपके पास जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा ना तो दूसरा 2PY 2PY किस तरह से ओवरलैप करेंगे साइडवेज, साइडवेज जब ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, और फिर जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तब 2PZ 2PZ ओवरलैप करेंगे वो भी किस तरह से करेंगे साइडवेज, तो फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। यानी ट्रिपल बॉन्ड की केमिस्ट्री क्या है, एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई, ये आपकी एक्सरसाइज का MCQ भी है। अभी हम इसकी एग्जांपल जब इसको सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा 2PX 2PX हेड ऑन हेड ओवरलैप, 2PY 2PY साइडवेज ओवरलैप, 2PZ 2PZ साइडवेज ओवरलैप, तो एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड बनेंगे, कैसे आइए अब हम इसको देखें। सबसे पहले 2PX 2PX को ओवरलैप देखो, ये आ गया आपके पास 2PX, रेफरेंस एक्सिस पे इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ये देखिए जी ये 2PX 2PX, ये दोनों नाइट्रोजन के 2PX, ये भी 2PX है, ये भी 2PX है। अब इन्होंने सबसे पहले ओवरलैप करना है,
और जब ये ओवरलैप करेंगे तो किस तरह का ओवरलैप करेंगे? हेड ऑन हेड, ये देखिए जी, हेड ऑन हेड ओवरलैप होगा। और जब हेड ऑन हेड ओवरलैप होगा, ये बन गया इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के दरमियान क्या बन गया बेटा जी? लो जी देखना, ये ले जी सिग्मा बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड बन गया जिसका नाम क्या था? सिग्मा। अब दूसरा ऑर्बिटल कौन सा है? 2PY N2PY। लो जी देखना, 2PY की शेप रेफरेंस एक्सिस पर इस तरह की आती है, ये देखिए, These are 2PY and 2PY. अब आप फॉलो कर रहे हो? अब ये 2PY 2PY ओवरलैप कर देंगे, लेकिन एक बात ये मैं रखिएगा, इसका अपर आर्म इसके अपर आर्म से ओवरलैप करेगा, इसका लोअर आर्म से ओवरलैप करेगा, और एक पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? ये शक ये जेन में ना ले आएगा कि ऊपर से भी ओवरलैप हुआ तो पाई बॉन्ड बना, नीचे से भी ओवरलैप हुआ तो पाई बॉन्ड बना, नहीं, ओवरलैप ऊपर से भी होगा नीचे से भी होगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होगी वो मैक्सिमम आएगी अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस, जिस दरमियान में बॉन्ड एक्सिस है इसके अबव एंड बिलो। उसके बाद क्या बचा आपके पास? अब देखें, पहले सिग्मा बॉन्ड बना हुआ था, अब क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन गया, ठीक हो गया। अब आ गया 2PZ 2PZ। लो जी देखेगा, ये आपके पास आ गया 2PZ, ये भी आपके पास क्या आ गया? 2PZ। और ठीक है, तो अब जब 2PZ 2PZ आपस में करेंगे ओवरलैपिंग, तो भाई जरा देखिएगा, इसका अपर आर्म से ओवरलैप कर देगा, इसका लोअर आर्म से ओवरलैप कर देगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएगी अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस, और अपर आर्म से ओवरलैप कर गया, लोअर आर्म से ओवरलैप कर गया, तो बन गया क्या? एक पाई बॉन्ड। तो भाईजान आप जरा गौर फरमाएं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में एक और बॉन्ड बन गया, बात समझ आ गई? तो सिग्मा बॉन्ड किससे बना था? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से, और दूसरा पाई बॉन्ड किससे बना? साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ 2PY and 2PY से, और थर्ड पाई बॉन्ड भी किससे बना? 2PZ 2PZ की साइडवेज ओवरलैपिंग से।